हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग अमित नेशन। सो मोस्टली जो आपकी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस है वो इन तीन चीजों के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन यहाँ पर हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे पहली चीज जो मैटर करती है दैट इज एक्सरसाइज। अगर आपको अपनी मसल को बिल्ड करना है तो आपको उनको टेंशन देनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी मसल्स को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दे रहे हो तब तक आपकी मसल ग्रो नहीं करेगी। मसल तीन चीजों के थ्रू बिल्ड करती है, मैकेनिकल टेंशन के थ्रू, मेटाबॉलिक स्ट्रेस के थ्रू और मसल डैमेज के थ्रू। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी मसल्स को एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लोड से स्ट्रेस करना है ताकि आपकी मसल्स को मौका मिल पाए ग्रो करने का। एंड धीरे धीरे आप ओवर द टाइम पीरियड प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर सकते हो, जैसे कि आप वेट को बढ़ा सकते हो या अपने सेट्स को इंक्रीज कर सकते हो या फिर आप अपनी रेप्स को भी इंक्रीज कर सकते हो। सेकेंड चीज जो मैटर करती है वो है आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन पार्ट। रिगार्डलेस आप जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी अच्छी ट्रेनिंग कर लो, अगर आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो आपकी मसल्स ग्रो नहीं कर सकती। मैंने बहुत ही कॉमनली ये चीजें लोगों को करते हुए देखा है कि उनकी ट्रेनिंग काफी अच्छी होती है लेकिन जब बात उनकी डाइट की आती है तो वो उतना खाना खा ही नहीं रहे होते हैं। जितनी कैलोरीज और जितना प्रोटीन उनको चाहिए वो उतना कंज्यूम कर ही नहीं रहे हैं, जिस वजह से उनकी मसल ग्रोथ नहीं हो पाती है। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना ही पड़ेगा वरना आप मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे। थर्ड चीज जिसको लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं बट इन रियलिटी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्लीप। स्लीप से बहुत सारी चीजें रिलेट करती हैं और अगर आपकी स्लीप ऑन पॉइंट नहीं है तो बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर आप कम स्लीप लेते हो तो आपको किस तरह के डाउनफॉल्स देखने पड़ सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हो तो चांसेस हैं कि आप थका हुआ फील करोगे और अगर आप थका हुआ फील करते हो तो आप एक्सरसाइज कैसे करोगे और इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन जाएगी। सेकंड चीज, ये आपके हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस कर सकता है। सभी लोग ये जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन कितना इम्पोर्टेंट है मसल बिल्ड करने के लिए और अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हो तो चांसेस है कि आपके टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो सकते हैं और टेस्टोस्टेरोन का सप्रेस होना मतलब आपकी मसल बिल्डिंग की ग्रोथ ना होना। सो इसी वजह से आपको अपनी स्लीप पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको मसल बिल्डिंग के दौरान आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।